स्वार्थ के गए को बहाल करो, एक नोटिफिकेशन हुई और उसमें हमारे 81 जो ड्राइवर थे उनको जो है बाहर का रास्ता दिखाया गया। उन्होंने 40 दिन का जो है महीना किया, इसकी हम भर्सना करते हैं। नाम सही नहीं आता है तो हम फिर ब्लैकआउट पे हमारे को जाना पड़ेगा। सोमवार को HPSEBL ज्वाइंट फ्रंट के आह्वान पर मंडी में हुए प्रदर्शन के माध्यम से एम्प्लॉयज यूनियन ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार उनकी मांगों पर गौर नहीं करती है तो आने वाले समय में यूनियन द्वारा प्रदेश भर में ब्लैकआउट किया जाएगा। यूनियन का यह धरना प्रदर्शन चीफ इंजीनियर HPSEBL दफ्तर के बाहर हुआ, जिसमें विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों व सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। कर्मचारियों द्वारा इस प्रदर्शन के माध्यम से पुरानी पेंशन बहाली से लेकर आउटसोर्स कर्मियों की स्थायी नियुक्ति सहित विभिन्न मांगों को पूरे जोर शोर से उठाया गया। वहीं बोर्ड से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समय पर पेंशन न देने का मुद्दा भी छाया रहा, साथ ही रिक्त पड़े विभिन्न पदों को भरने की मांग भी यूनियन द्वारा उठाई गई। इस मौके पर HPSEBL यूनियन के उपाध्यक्ष दिलीप सिंह ने कहा कि सरकार बोर्ड के साथ छेड़खानी करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बोर्ड के विभिन्न विंग्स को सरकार निजी हाथों में सौंपना चाह रही है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार नोटिफिकेशन के माध्यम से 81 चालकों को बाहर का रास्ता दिखा रही है, जिसका यूनियन कड़ा विरोध करती है। जो हमारी जो आज की जो डिमांडें थी उसमें प्रमुख डिमांड हमारी जो बोर्ड को जो सरकार जो है जो बोर्ड के साथ जो छेड़खानी और ट्रस्ट नष्ट करना चाह रही है, उसके हम सरकार से ये मांग करते हैं कि बोर्ड के साथ जो है जो छेड़खानी ना की जाए। और जो हमारे जो बींग है, संचार बींग है, उसको भी किसी और के हाथ दे रहे हैं, और जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसी किसी और के हाथ दे रहे हैं। हमारे पास सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन बचेगा, तो हम सरकार से मांग करते हैं कि बोर्ड के साथ छेड़खानी ना किया जाए। बोर्ड का जो स्वरूप है पहले का स्वरूप है वही रखा जाए। और जो हमारी आज की जो डिमांड है उसमें सबसे पहले हमारी डिमांड है जो हमारे 18 तारीख को जो एक नोटिफिकेशन हुई और उसमें हमारे 81 जो ड्राइवर थे उनको जो है बाहर का रास्ता दिखाया गया। हम सरकार से पूरा जोर ज्वाइंट फ्रंट के माध्यम पत्रकार के माध्यम से मांग उठाना चाहेंगे कि इन पदों को तुरंत प्रभाव से बहाल किया जाए और इनका जो ऑर्डर है 18 तारीख का उसको वापस लिया जाए। अगर हमारी डिमांडों को मांगों को नहीं सुना जाएगा तो हम फिर हमारा अगला जो प्लान है आज का जो हमारा अगर परिणाम सही नहीं आता है तो हम फिर ब्लैकआउट पे हमारे को जाना पड़ेगा। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।